हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे सी टेक चैनल में। यदि आप कंप्यूटर क्लास के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि मैं यहां पर आप लोगों को फोटोशॉप, कोरल ड्रा, वीडियो मिक्सिंग जैसे जो कि एक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर होता है, और जैसे आप लोगों को DCA, ADCA और BCA जैसे कि एक कंप्यूटर एजुकेशन, जैसे आप लोग किसी कंप्यूटर सेंटर पे या इंस्टीट्यूट में जाके सीखते हैं, वो सारा चीज आपको इस चैनल पे सिखाया जाएगा बिल्कुल मुफ्त, बिना कोई पैसे लिए हुए। बिल्कुल सिर्फ आपको देना है तो अपने पर डे के हिसाब से आधा घंटा का समय देना है, बस हमारा वीडियो ध्यान से देखना है और उसको प्रैक्टिस करना है अपने कंप्यूटर पे। तो वह यूट्यूब पे दो चीज की फैसिलिटी बढ़िया मिल जाता है। पहला तो आपको कमेंट सेक्शन मिल जाता है, आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने सवालों के जवाब। और दूसरा कि कभी कभी मैं हफ्ते में एक दिन लाइव आता हूं, तो लाइव ही आप हमसे सवालों का जवाब पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है हमारा चैनल अच्छा लगता है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका आप लोगों को दोबारा नहीं मिलने वाला। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कोरल ड्रा X6 ओपन कर लेते हैं और इसी में आज हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ से करते हैं कंट्रोल प्लस एंड न्यू पेज, और ऊपर 8 इंच में से चौरस में लेता हूँ मैं 8x8 का, और 300 रेजुलेशन, और ओके न्यू पेज आ गया। उसके बाद में लेता हूँ यहाँ से एक बॉक्स और इसे पूरा फिल कर लेता हूँ, जैसा कलर फिल करना है, ब्लैक करना है, सिर्फ ब्लैक कर लेता हूँ। उसके बाद में एक लेता हूँ मैं लिप्स टूल, तो यहाँ से लेता हूँ लिप्स और इसको साइड में करते हैं थोड़ा सा, और शिफ्ट नहीं कंट्रोल दबा कर इसे ड्रा करते हैं, बना। और उसके बाद में फिर से यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके इसको नीचे कर दवाइए, आपको जितना ठीक लगे, इतना सही है तो इतना दबा, क्लिक हुआ बटन तो दबा कर तुरंत दूसरा बटन दबा लीजिए। उसके बाद में पॉइंट टूल क्लिक करके यहाँ से पिक टूल के बाद सेलेक्ट करके और इस टूल को क्लिक कीजिए, साथ में सब ज्वाइंट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से क्लिक कीजिए फिल कलर, कोई भी फिल कर लीजिए, जैसे आपको जो ब्लू कलर करना है या कोई भी कलर करना है तो करके, हमें ब्लू कलर करना है तो हम कर लिए। फिर पिक टूल को क्लिक कीजिए, पिक टूल को क्लिक करने के बाद में उठा के इसे यहाँ पर रख लीजिए, आपको जहाँ सेंटर लगे वहाँ पर उठा कर रख लीजिए, इसे आप डिलीट कर दीजिए, ये आ गया। इसके आने के बाद में इस तरह का आपके पास सेटिंग ना ही शो हो रहा है तो मैं कट कर देता हूँ। तो देखिए, आर्ट और एंटर टाइप कीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगा। तो आउटलाइनिंग को 0, उसके बाद में फिल कलर, फिल कलर पर जाने के बाद में यहाँ से लीजिए आप फाउंडेशन फिल्स, उसके बाद में यहाँ से लीजिए रिटायल, और यहाँ से कस्टम कलर। कस्टम कलर करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं हम ब्लू, क्योंकि ब्लू में लिया था तो ब्लू कर लेता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ भी ब्लू, और यहाँ पर 2 पॉइंट बना लेता हूँ मैं। तो पहला कलर कर लेता हूँ ब्लू, और दूसरा कलर इधर का कर लेता हूँ वाइट, और यहाँ कर लेता हूँ ब्लू, और इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ 43, एंटर, और इस पॉइंट पर क्लिक करके यहाँ पर परसेंटेज कर देता हूँ 46, एंटर। तो एक साइड बन गया, देखिए हल्का सा यहाँ से देख सकते हो उभरा हुआ बना, ठीक है जैसा भी है, ठीक है। उसके बाद में अब हमें बनाना है स्टार, तो स्टार बनाने के लिए सिंपल है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए नीचे पॉलीगॉन, ठीक है। उसके बाद भी आप यहाँ से क्लिक कीजिए, कंट्रोल प्रेस करके खींचिए इस तरह से, जितना आपको बड़ा खींचना हो आप खींच सकते हैं। अब यहाँ पर सेप को क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक सेंटर में क्लिक कीजिए इस वाले को, और इस तरह से खींचिए, आपको जितना अच्छा लगे आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉलीगॉन पर क्लिक करके आप इसका पॉइंट यदि आपको कम करना है, मैं इसको चाहता हूँ कि 9 ही रहे क्योंकि ज़्यादा पॉइंट बन जा रहा है। उसके बाद में सेप टूल को लेकर आपको जितना भी लगता है कि इतना ठीक है या फिर सेंटर जैसा भी चाहिए आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इतना रख लेता हूँ। उसके बाद में कलर इसमें करता हूँ फिल, तो फिल पे जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से कस्टम कलर करता हूँ, और कस्टम कलर करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ देखिए कंसोल फाउंडेशन फिल्स पे क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए इस टूल को क्लिक किया मैं, तो देखिए गोला बन गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ऐसे और इस तरह से इस पहला पॉइंट को मिला लेता हूँ मैं, तो पहला मेरा पॉइंट है इसको मिला लिया, यहाँ पे क्लिक किया, इसके सीध में दूसरा पॉइंट है, फिर एक यहाँ पर इसके सीध में, फिर यहाँ पर इसके सीध में, फिर इसके सीध में,
फिर इसके सिर में, बस अभी पॉइंटर बनाना है इसके सिर में, और एक इसके सिर में, और एक इसके सिर में, और एक तो बना ही है। अब यहाँ पर कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कलर आपको अच्छा लगे आप यहाँ से, तो मैं यहाँ से पहला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ इससे, ठीक है। दूसरा कलर में हल्का सा यहाँ पर ऐड हो रहा है, देखिए ब्लैक करना है तो ब्लैक कर लीजिए। तीसरा कलर फिर मतलब कि फटाफट सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर से ब्लैक, फिर से इस कलर को, या फिर आप इसमें कलर को ऐड कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि जहाँ भी कीजिएगा सब आप देख लीजिए कि किस में ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, किस में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कलर। ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं हर एक में यहाँ पे भी क्लिक करके इस कलर को करता हूँ। ये कलर हो गया, और यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर हल्का ब्लैक, देखिए अब इसमें भी मतलब कि हमें अच्छा लगना चाहिए, देखना कि किस में ज़्यादा सेट बन रहा है इसका। और यहाँ पर भी क्लिक करके इसे, और यहाँ भी क्लिक करके इसे, देखिए तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो फिर बाकियों में भी हम इसी कलर को फिल कर लेते हैं। तो नीचे ऐड हो गया था, तो देखिए इसको क्लिक किया, फिर इसे, इसे क्लिक किया, इसे, देखिए ये आ गया, फिल हो गया। अब इसे आपको एडजस्ट करना होगा, थोड़ा सा सेट करना होगा। तो इस कलर को थोड़ा सा मेरा डिफरेंट हो गया, तो मैं यहाँ से क्लिक करके एक जैसा बना लेता हूँ, एक जैसा हो गया। अब देखिए ये पॉइंट बिल्कुल सीधे में है, ये बिल्कुल देखिए यहाँ से कीजिएगा तो इस तरह से बनेगा। ये देखिए किनारा बिल्कुल नीचे वाले कोने से मैच करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सबसे पहले मिला लेते हैं, मिला रहे तो इससे ठीक है, और इससे भी ठीक है। ये थोड़ा सा देखिए अब यहाँ पर एक किनारा कहीं और बन रहा है और कहाँ उभरा हुआ कम है, तो इसको हम यहाँ से मिलाते हैं, देखिए ये। और इसमें यदि थोड़ा सा और उभरा हुआ करना है तो आप ज़्यादा ब्लैक कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को अच्छी तरह दिखाई देता है, यहाँ पर क्लिक किए और यहाँ थोड़ा और ब्लैक कर लेता हूँ तो ज़्यादा उभरा हुआ लगेगा, तो क्लिक कर लिया सब बीच में जो है, और यहाँ पे क्लिक किया और इसे ब्लैक, और यहाँ क्लिक किया और ये ब्लैक, तो ठीक है ये बन गया। उसके बाद में बस, और यहाँ से इसे क्लिक किया, पिक्टूल को उठाकर इसमें ला कर रख लेते हैं। बाकी कलर के ऊपर भी लोगों देखने में अच्छा लगता है, जैसा कलर होता है, कलर कलर ही सब कुछ होता है, कलर कैसा लगा है कैसा नहीं लगा है, ठीक है। यहाँ से 5 कर लेते हैं और नीचे से 5 करते हैं, देखते हैं साइज़ कितना बनता है। तो ठीक है बिल्कुल ज़्यादा तरफ से हो गया 5, और आपको एडजस्ट करना होता है कर सकते हैं। अब इसमें हमें बनाना है सेट, तो क्लिक किए यहाँ पर गए, और यहाँ पर होगा ड्रॉप शैडो, ड्रॉप शैडो पर क्लिक किए, और यहाँ से क्लिक करते हैं यहाँ इस तरह से, और अब यहाँ पर क्लिक करके हम वाइट कर लेते हैं इसे वाइट, और यहाँ से मल्टीपल कीजिएगा नॉर्मल, ठीक है। तो हल्का सेट चाहिए तो हल्का कीजिए, यहाँ पे भी अलग अलग आपको इनसाइड आउटसाइड मीडियम सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा हो गया तो इसको कम करना है, तो आप यहाँ से इसको कम कर सकते हैं, और यहाँ से अब यहाँ पर देखते हैं इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसको कर लेते हैं हम 35, ठीक है, और यहाँ पर हम कर लेते हैं 11, एंटर, और देखिए तो यहाँ पे बन गया। और इसमें 8 करेंगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगा, देखिए 8 है, और यह 7 करना है तो और ज़्यादा, देखिए हल्का हल्का, मतलब कि आपको अपने ज़रूरत के अनुसार 5 कर लीजिए और कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबको एडजस्टमेंट दिया हुआ, अब यहाँ से आपको पता लग जाएगा किस तरह से कितना मतलब कि सॉफ्टनेस है साइड का, जो सॉफ्टनेस होता है सब कुछ आप यहाँ से सब कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया, अब आप यहाँ पर हम अब कुछ टाइप उप कर लेते हैं, कुछ नाम वगैरह लिख लेते हैं। तो यहाँ पर किए क्लिक टेक्स्ट पे, उसके बाद यहाँ क्लिक किए, यहाँ लिखते हैं CHANDAN चंदन, COMPUTER CENTRE, ये सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से इस तरह से रखते हैं, और इसको हम ब्लू कर लेते हैं, कलर हमें ब्लू, तो ब्लू कर लिया, और उसे उठा के यहाँ पर रख दिया, शिफ्ट क्लिक किया, शिफ्ट प्रेशर करके शिफ्ट दबाए रखिए, और इसे नीचे क्लिक कीजिए, और टेक्स्ट पे गए तो देखिए आ गया। तो गलती हो सके कि एक दो बार ना आए तो आप क्लिक करके देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन में काफ़ी कलर वगैरह हो जाता है, काफ़ी कुछ बना लेते हैं तो सिलेक्शन में कभी कोई गलती हो जाता है। अब देखिए ये उल्टा है तो आप यहाँ से इसको सीधा कर सकते हैं, देखिए सब सीधा करने का ऑप्शन है, और बाहर क्लिक करके एक बार फिर इस पर क्लिक कीजिए, और
क्लिक करके डबल क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ यही सिलेक्ट होगा। देखिए इसी के ऊपर घेरे बना है, और नीचे की ओर लाइए या ऊपर की ओर, देखिए कहाँ पर जा रहा सही। तो इतना है, तो आप यदि यहाँ से क्लिक करके नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करके इस तरह से आप सेंटर में से। फ्रेंड्स तो ऊपर वाला हम लिख लिए हैं, और उसके बाद में हमें लिखना है नीचे का। तो यहाँ पर लिखते हैं लुधियाना, LUDHIANA लुधियाना, डबल स्पेस डाल के, फिर उसके बाद एक स्पेस डाल के माइनस करके पंजाब, PUNJAB पंजाब, इसे सेलेक्ट करके हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड कर दिए और उसके बाद में देख लेते हैं कि उसका साइज़ कितना था। तो यहाँ पर क्लिक करके और ऊपर जाते हैं तो उसका सेम इसी साइज़ का लिखेंगे ना तो अच्छा लगेगा। क्लिक किए 39.778 49.778, तो यहाँ पर क्लिक करके और टैक्स साइज है तो 49.778 एंटर, तो भी सेम साइज़ हो गया। अब यहाँ से हम क्लिक करते हैं इसे और इसे ब्लू कर लेते हैं, नहीं तो बीच में वाइट ब्लैक में मिक्स हो जाएगा। यहाँ क्लिक किए और शिफ्ट प्रेस करके इसको भी क्लिक कर लिए और टैक्स पे जाते हैं और फिर टू टैक्स पाथ पे क्लिक किए तो ये ऊपर गया होगा क्योंकि ऊपर ही सब जाता है। तो यहाँ से अब हमें बाहर क्लिक करके इस पर क्लिक करके एक बार और यहाँ पर क्लिक करके ला कर नीचे रखना होगा। ये इस पर क्लिक किए और देखिए, और यहाँ पर ठीक है, देखिए नीचे आ गया, 2 फीट कर लेते हैं यहाँ से, सही से बनेगा। और इसके बाद में यहाँ से आपको जितना अच्छा लगे आप यहाँ पर क्लिक करके रख लिए और इसे रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं यहाँ से जितना घुमाना आपको। और उसके बाद में यहाँ से आप दूर कर सकते हैं जितना चाहें आप, दूरी कम बेसी मतलब कि ऊपर का डिस्टेंस सेंटर में। यदि आपका डिस्टेंस सही से नहीं काम करेगा तो इसका मतलब कि फॉन्ट बड़ा होगा, तब कुछ फॉन्ट यहाँ से डिलीट करके एडजस्ट करके फिर टाइप कर लीजिएगा। तो सेंटर हो गया ये, अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा बनाना है तो इसको क्लिक करते हैं, इसे बाहर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, आउटलाइनिंग से रिमूव कर देते हैं, आउटलाइनिंग अच्छा नहीं लग रहा, इसमें भी क्लिक करके आउटलाइनिंग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब इसे क्लिक करके यहाँ से आप कर सकते हैं, तो पहले इस पर रखते हैं और देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा। तो इसका जो सेंटर है ऊपर से लाते हैं यहाँ पर और इसके बीच में रखते हैं और इसी के बीच में इसे भी रखेंगे। तो सेंटर लिए, कंट्रोल दबाकर शिफ्ट दबाकर रखिए और चारों तरफ से छोटा बड़ा होगा शिफ्ट से, ठीक है। और इसी साइड को इसको भी क्लिक करके ले जाकर इधर कॉपी, तो जितना आपको रखना है रख लीजिए। अब इसमें आपको कलर मेंशन करना है आपको अपने पसंद से, तो आपको पता है कि कैसे होगा, बस आप इसको जूम कर लिए देखिए और यहाँ से इस पर क्लिक कीजिए तो पॉइंट बन जाएगा। और जहाँ ब्लैक है वहाँ पर वाइट करना है तो आप वाइट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर लिए और इस पर क्लिक करना है और यहाँ से वाइट कर सकते हैं तो वाइट हो जाएगा ये, तो वाइट अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लैक ही ठीक है, यही का आप हल्का ब्लैक दे सकते हैं जितना देना हो देना। यदि आपको कोई और कलर चाहिए तो आप कोई और कलर सेलेक्ट करके यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर ब्लू चाहिए तो ब्लू साइड में बना सकते हैं। तो यदि आपको एक कलर कोई और, एक कलर ब्लू, एक कलर कोई और, एक कलर ब्लू चाहिए तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से एक कलर ब्लू और यहाँ से फिर यहाँ से कलर, ठीक है। और ये बेचारा रह गया है यहाँ पे, या फिर यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से कम कर सकते हैं, 8-9 कर सकते हैं, तो ऐसे भी हो जाएगा। तो ठीक लग रहा है, मिक्स कलर है, अच्छा लग रहा है। तो और इसको यहाँ से क्लिक करके एडिट करके देखिए, तो बहुत सारे तरीके होते हैं इसमें, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि कैसा रखें कैसा ना रखें कि अच्छा लगे, क्योंकि रटा रटा चीज़ तो होता नहीं है, डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग के टाइम में बहुत कुछ सोचने पड़ जाता है। तो ये बना, अब हमें इसको क्या करते हैं बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं और बैकग्राउंड हम जाते हैं आर्ट और एंटर टाइप करके कलर पे सबको कट कर लेते हैं, यदि मिक्स नहीं मिल रहा तो आल्ट और एंटर
और इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से फिल कलर सेलेक्ट करते हैं। फिल कलर सेलेक्ट करने के बाद में इसको क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से रिडायल कलर करते हैं, और रिडायल के बाद में यहाँ से कस्टम कस्टम क्लिक कर लेते हैं, और कस्टम करने के बाद यहाँ पर हल्का सा मैरून कलर कर लेते हैं इस तरह का, और यहाँ से आपको या फिर जो भी, उसके बाद में यहाँ पर ब्लैक, और यहाँ पर भी अब वाइट है तो यहाँ पर हल्का सा ब्लैक कर लीजिए। अब हो गया। अब उसके बाद में आपको जितना एडजस्ट करना है आप यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको इतना रखने देते हैं, ठीक है। ये बन गया आज का सिंपल सा डिजाइन। तो फ्रेंड्स बताइए कि आपको ये डिजाइन जो आपके सामने मैं बनाया हूँ, इसको फाइल पे जाता हूँ और सेव कर लेता हूँ, सेव, और यहाँ से सेव, और फाइल पे जाकर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे जाकर उसके बाद में डेस्कटॉप 07 के नाम से सेव करते हैं, एक्सपोर्ट JPG, और यहाँ से हाई क्वालिटी वगैरह सारा कुछ, और ओके मिनिमाइज करते हैं, और यहाँ से राइट क्लिक करके प्रीव्यू, और यहाँ से स्टेटस बैकग्राउंड। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि आप जो मैं वीडियो बनाया आपके साथ, जो मैं लोगो बनाया आपके सामने, आपको कैसा लगा? यदि फ्रेंड्स अच्छा लगा तो लाइक करना, यदि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, या फिर हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हैं, तो हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा, और बहुत ही आसान तरीके से सारे वीडियो मैं बनाता हूँ, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टफ नहीं बनाता हूँ, ना ही ज़्यादा मैं कमांड यूज करता हूँ, सिंपल क्लिकिंग के ऊपर सारा डिज़ाइन बनाता हूँ और आप लोगों को सिखाता हूँ। तो यदि आप लोग कोलड्रा वीडियो स्टूडियो का कुछ भी आपको सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।